पर साहब आपकी रिसर्च से फैज हासिल करते हैं तवायफ़ के कैरेक्टर की समरी और इसकी फ़िलासफ़ी क्या है देखिए जब तवायफ की फिलासफी बयान करनी हो या उसे पोर्ट्रेट करना हो तो वो आप उसे शराफत और तवायफ इन दोनों चीज़ों को आप हमने सामने देखते हैं उसमें बैलेंस ये है जस्ट इतना ही फ़र्क है एक शरीफ औरत में और एक तवायफ में कि एक पाजेब है तो दूसरी घुंघरू है सर आपकी बात से आगे बात बढ़ाते हैं हमारे अगली मेहमान इनके बारे में एंकर और होस्ट तो हैं ही है लेकिन इनके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बाकायदा अखबार पढ़ती हैं और किताब से इनका बड़ा गहरा रिश्ता कायम है प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में वेलकम इकरा हारिस

और एक उसमें थी अमर प्रेम अब दोनों की जरा डिफरेंट है बट उनमें जो पाकिज़ा में एक ख़ातून का करेक्टर है वो बड़ा स्ट्रॉग है और उसके बाद मैंने जब बचपन में देखा तब तो नहीं समझ आया बट इवेंचुअली जब बड़े होकर उसको समझना शुरू किया तो फिर अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली रियालिटी के बहुत करीब है हाँ। और जिस तरह मीना कुमारी ने वो अपने आप को जिस तरह पोर्ट्रे किया एज अ स्ट्रांग वुमेन वो बड़ा अच्छा है और फिर जब अमर प्रेम की मूवी में दो वो एक उस तरह तो तवायफ नहीं थी बट उन सरासा उनका रिश्ता मिलता है बट अगेन उस फिल्म के अंदर भी आप देखते हैं वो रियालिटी से मुझे नज़दीक इसलिए लगती है बिकॉज हर कोई बाई चॉइस तो ये बनता नहीं है सो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया